मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा पॉलिटिकल है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। आप जब मुख्यमंत्री बने थे तब ये हमेशा कहा जाता था कि बस 3 महीने और, बस 6 महीने और, बस 8 महीने और कई सारे लोग थे जो सीएम इन वेटिंग थे, तो क्या वो अभी भी सीएम इन वेटिंग ही रहेंगे? थे, रहना चाहिए, आगे भी रहना चाहिए, औरों को भी आना चाहिए। आखिर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति की मुख्यमंत्री होने की कोई बपौती नहीं है कि एक ही रहेगा। ये कंपटीशन है, हर एक पार्टी में आना चाहिए। हाँ, पार्टी में आते समय जो वहां पार्टी के अंदर व्यवहार है वो मर्यादित व्यवहार होना चाहिए। अब ये महत्वाकांक्षा कांग्रेस के लोगों में भी है, ये इच्छा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इच्छा में भी रहेगी, लेकिन अंतर क्या हम देखते हैं? सिर्फ फुटबॉल हम कांग्रेस में देखते हैं, उनकी जूतम बाजार कैसे होती है, उनके मंचों पर किस प्रकार से एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं, कैसे एक दूसरे का विरोध करते हैं। वहां कोई पार्टी नाम का सिस्टम नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में एकल पार्टी के नाते से चलता है। हमारी एक पार्टी है, सामूहिक हम बैठते हैं, हर सप्ताह बैठते हैं, और औपचारिक बैठे अनौपचारिक बैठे हमने सब काम ठीक करने हैं। जब चुनाव हुआ उस समय लोग, आप लोग कहते थे 7-8 दावेदार है मुख्यमंत्री के, क्या बनेगा, कैसे होगा। मैंने उस समय भी कहा था, अभी तो 7-8 है। मेरी इच्छा यह है कि 90 के 90 विधानसभा में जो हमारे MLA विधायक चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े, ताकि 5-7% उनको वोट ज्यादा मिल जाए। सब करें ना, ये सबसे यूनिक आइडिया है मेरे ख्याल से। सब करें, हाँ, ये हमारी विशेषता है कि जब विधायक बनेंगे सब मिल बैठ करके आपस में निर्णय करके किसी एक नाम पर सहमति बनाएंगे।